Hello students, I am Ruchika Gupta from SuccessCDs Education. आप सभी जानते हैं हमारी ये सीरीज हैं जहां पर हम fortnightly करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस लाते हैं. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि हर 15 दिनों बाद यानी कि fortnightly वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट करंट अफेयर्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट जस्ट लाइक योर एग्जाम्स. जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है उसके बाद चार ऑप्शंस होती है उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, ऐसे ही यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे. हमने यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद कोशिश की है सारी डिटेल्स कवर करने की ताकि आप अच्छे से करंट अफेयर्स का टॉपिक तैयार कर सके. यहाँ पर इस वीडियो में आज आप देखेंगे जनवरी 2018 के करंट अफेयर्स जहां पर हमने फर्स्ट से 15th जनवरी के करंट अफेयर्स कवर किए हैं. ये जनवरी के मंथ की पार्ट वन वीडियो है. तो चलिए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, नेम द फर्स्ट वुमन लॉयर हु हैज बीन डायरेक्टली प्रमोटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये हाल ही में न्यूज में था, एक बहुत ही लैंडमार्क चीज हुई है इंडिया की हिस्ट्री में. पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वुमन लॉयर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज अपॉइंट कर दिया गया है. ये हमारे चार ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है. नाउ लेट अस सी द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है इंदु मल्होत्रा. इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली वुमन लॉयर हैं जिन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की जज अपॉइंट कर दिया गया है. इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं. ये है इंदु मल्होत्रा. सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा इट हैज रिकमेंडेड द सीनियर एडवोकेट इंदु मल्होत्रा फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसके साथ ही शी इज द फर्स्ट वुमन लॉयर फ्रॉम इंडिया टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पहली ऐसी फीमेल लॉयर है जिन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया है. आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं वुमेन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. भारत के सुप्रीम कोर्ट में कौन सी फीमेल जजेस आज तक अपॉइंट हुई हैं? टोटल 7 ऐसी फीमेल्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजेस रह चुकी हैं. 1989 में अपॉइंट हुई थी एम फातिमा बीवी, 1994 में सुजाता वी मनोहर, 2000 में रूमा पाल, 2010 में अपॉइंट हुई थी ज्ञान सुधा मिश्रा, 2011 में अपॉइंट हुई थी रंजना प्रकाश देसाई, 2014 में अपॉइंट हुई थी आर बानुमती और 2018 में इंदु मल्होत्रा. तो ये है टोटल 7 विमेन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द नेशनल यूथ फेस्टिवल कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश. हमने ये बताना है कि हर साल भारत में जो नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है वो किनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है. इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद. ये है स्वामी विवेकानंद जिनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और इसी दिन के आसपास नेशनल यूथ फेस्टिवल भी मनाया जाता है. इस साल यानी कि 2018 के नेशनल यूथ फेस्टिवल का थीम था संकल्प से सिद्धि. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कौन सा है? बायोमेट्रिक यानी कि जिसमें किसी भी इंसान की बॉडी के किसी भी पार्ट का फोटोग्राफ लेकर उसका आईडी बनाया जाता है. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, आधार. इंडिया ने जो आधार लॉन्च किया है ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नेम द रेलवे स्टेशन इन मुंबई टू एंटर द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द फर्स्ट ऑल विमेन स्टेशन. मुंबई में कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया है फॉर बीइंग द फर्स्ट ऑल विमेन स्टेशन. यहाँ पे जितना भी क्रू है, रेलवे स्टाफ है, वो विमेन है. इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माटुंगा.
मुंबई में लोकेटेड माटुंगा रेलवे स्टेशन ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया है फॉर बीइंग द फर्स्ट ऑल विमेन स्टेशन. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन इज द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड. प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है. इसका आंसर है January 9th. प्रवासी भारतीय दिवस यानी के नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे. इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं. इस साल 2018 में जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया उसका थीम था एंशियंट रूट न्यू जर्नी डायस्पोरा इन द डायनामिक एशियन इंडिया पार्टनरशिप. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. द भारत नेट प्रोजेक्ट इज द बैकबोन ऑफ विच इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत नेट नाम का जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस इनिशिएटिव की बैकबोन है. इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया. द फर्स्ट फेज ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड आफ्टर लेइंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इन मोर देन 1 लाख ग्राम पंचायत्स. भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है. लेइंग डाउन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्यों डाली जा रही है. भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, भारत के हर गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए. और इसीलिए भारत नेट प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की बैकबोन है. डिजिटल इंडिया एम्स टू ब्रिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू ऑल द ग्राम पंचायत थ्रू ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर नाम की टेक्नोलॉजी द्वारा डिजिटल इंडिया ये एम कर रहा है कि भारत के सभी ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाए. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. नेम द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे. नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे रिच स्टेट कौन सा है. इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है दिल्ली. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8. द उमेश सिन्हा कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. इंडियन गवर्नमेंट की किस ऑर्गेनाइजेशन ने उमेश सिन्हा कमेटी फॉर्म की है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन. कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं. इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है उमेश सिन्हा कमेटी टू सजेस्ट चेंजेस टू सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 इन द व्यू ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेंशन. सोशल मीडिया इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो गई है, इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है, उसके वजह से ये कमेटी फॉर्म की गई है ताकि वो सेक्शन 126 को रिव्यू कर सके. सेक्शन 126 क्या है. इट प्रोहिबिट्स डिस्प्लेइंग एनी इलेक्शन मैटर बाय मींस ऑफ टेलीविजन और सिमिलर एपरेटस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स बिफोर द आवर फिक्स्ड फॉर कंक्लूजन ऑफ पोल्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन से 48 आवर्स पहले के ड्यूरेशन में टेलीविजन पे किसी भी टाइप का प्रमोशन नहीं कर सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी. लेकिन सेक्शन 126 में सोशल मीडिया या नए तरह के जो मीडिया चैनल्स शुरू हो गए हैं वो कवर नहीं हो रहे. और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 48 आवर्स के ड्यूरेशन में भी पोलिटिकल पार्टीज इन नए मीडिया के तरीकों से अपने आप को प्रोपेगेट कर पा रही हैं. और इसीलिए उमेश सिन्हा कमेटी फॉर्म की गई है इस सेक्शन को रिव्यू करने के लिए. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. अदर देन इंडिया विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज इन नेपाल. अभी तक भारत की मोनोपोली थी, नेपाल में सिर्फ भारत ही इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था. लेकिन एक और देश है जिसने अब इसमें एंट्री ले ली है. उस देश का नाम बताना है. इसका आंसर है ऑप्शन डी चाइना. काफी ही प्रोबेबल आंसर था ये क्योंकि चाइना नेपाल के पास भी है और चाइना टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड है कि वो ही ये सब कुछ कर सकता है. सो चाइना हैज ब्रोकन द मोनोपोली ऑफ इंडिया एंड इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू नेपाल. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. नेम इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर. भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रत्युष. ये है प्रत्युष. दिस इज द फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये. इट इज डेडिकेटेड फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च.
and follows machines in Japan, USA and UK. So, दुनिया के सबसे fast तीन super computers हैं Japan, USA और UK के पास और उसके बाद अब India का fourth fastest super computer है प्रत्युष. आगे चलते हैं next question number 11. Name the venue of the Flamingo Festival. Flamingo Festival कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इन चार options में से correct answer है option A, पुलिकत लेक. फ्लेमिंगो फेस्टिवल तीन दिन का एक फेस्टिवल है जो कि पुलिकत लेक और उसके पास लोकेटेड नेलापत्तू बर्ड सैंक्चुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है. पिछले 12 साल से ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है. यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से ब्रीडिंग करने के लिए विंटर सीजन में और तभी ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Name the winner of the Golden Globe Award 2017 for Best Motion Picture Drama. Golden Globe Award 2017 mein Best Motion Picture Drama ka award kise mila hai? In char options mein se the correct answer is option C, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Now let us see the winners of the Golden Globe Awards 2017. Yahan par ek list di gayi hai sare award winners ki. Best Motion Picture Drama, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Best Motion Picture Musical Comedy, Lady Bird. Best Director in Motion Picture Drama, Guillermo del Toro for The Shape of Water. Best Actor in Motion Picture Drama, Gary Oldman as Winston Churchill in the movie Darkest Hour. Best Actress in Motion Picture Drama, Frances McDormand in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri as Mildred Hayes. Best Foreign Language Film, In the Fade. It is in German and French language. Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award. It has been awarded to Oprah Winfrey. Next winners hai, Best Actor in Motion Picture or Musical Comedy, James Franco in the movie The Disaster Artist as Tommy Wiseau. Best Actress in Motion Picture Musical Comedy, Cyrus Ronan in Lady Bird movie as Christian Lady Bird McPherson. Best Actor in a Supporting Role in Motion Picture, Sam Rockwell in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Best Actress in a Supporting Role in Motion Picture, Allison Janney in the movie I, Tonya as Lavona Golden. Best Original Score Motion Picture, Alexander Desplat, the movie is The Shape of Water. Best Original Song, This Is Me, sung by Benj Pasek and Justin Paul in the movie The Greatest Showman. And the Best Animated Feature Film is Coco. Aage chalte hai, next hai question number 13. Aikar Setu mobile app has been launched by which department? Aikar Setu naam ka mobile app kis department ne launch kiya hai? इसका सही आंसर है आईटी डिपार्टमेंट यानी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 14. नेम द वेन्यू ऑफ द 26th वर्ल्ड बुक फेयर. 26th वर्ल्ड बुक फेयर कहां पर आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली. 26th बुक फेयर 6 से 14 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था और इसका थीम था एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. Gold and Icon missions have been launched by which space agency? Kis space agency ne Gold aur Icon naam ke missions launch kiye hain? In char options mein se correct answer hai NASA. Global Scale Observations of the Limb and Disc, ye hai full form Gold ka. Ionosphere Connection Explorer, ye hai full form Icon ka. Ye dono jo missions hain ye NASA ne launch kiye hain. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. नेम द न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. भारत के फॉरेन सेक्रेटरी राज्य सचिव कौन है? इसका आंसर है विजय गोखले. ये है विजय गोखले जो कि एस जयशंकर को सक्सीड करेंगे एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. नेम द फर्स्ट रोबोट टू गेट अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री. दुनिया की पहली रोबोट कौन है? मैन मेड मशीन जिसे एक कंट्री की सिटीजनशिप दी गई है. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोफिया.
ये है सोफिया, ये एक रॉबर्ट है और ये सऊदी अरेबिया की सिटीजन है. सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स. ह्यूमनॉइड का मतलब क्या है? इनकी अपियरेंस बिल्कुल इंसानों जैसी है, ह्यूमन बीइंग्स जैसी है, इसलिए ये एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17. पार्कर सोलर प्रोब हैज बीन लॉन्च्ड बाय डैश. पार्कर सोलर प्रोब नाम का मिशन किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है नासा. पार्कर सोलर प्रोब इज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर. पार्कर सोलर प्रोब विल फ्लाई थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर इनटू द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ इट नोन एज द कोरोना फॉर द फर्स्ट टाइम. नासा ने ये जो मिशन बनाया है पार्कर सोलर प्रोब, ये दुनिया का ऐसा पहला मिशन है जो कि सूरज के बहुत ही नजदीक जाएगा. सूरज की जो आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, कोरोना, वहां तक ये पार्कर सोलर प्रोब जाएगा और सूरज को एनालाइज करेगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18. विच इज द फिफ्थ स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ऐसा कौन सा पांचवा स्टेट है भारत का जिसे ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है. नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरा ऐसा स्टेट है जो कि ODF डिक्लेयर हुआ है. और पूरे इंडिया में बाकी के जो स्टेट्स हैं जो कि ODF हैं वो है हिमाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा. तो टोटल पांच स्टेट्स हैं जो कि ODF स्टेट्स हैं. उनके नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. भोगाली बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश स्टेट. भोगाली बिहू नाम का फेस्टिवल भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है? इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है असम. भोगाली बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसे माघ बिहू भी कहा जाता है. 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है पूरे भारत में और इसके अलग अलग नाम है. पंजाब में इसे माघी या फिर लोहड़ी कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में पौष पर्वन कहा जाता है, बिहार और झारखंड में संक्रांत कहा जाता है, गुजरात में इसे उत्तरायण कह के मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, असम में माघ या फिर भोगाली बिहू, कर्नाटका में सुग्गी और जम्मू कश्मीर में शिशुर संक्रांत. तो 14 जनवरी को पूरे भारत में अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से मकर संक्रांति को मनाया जाता है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. हु इज द वर्ल्ड नंबर वन बोलर इन टेस्ट क्रिकेट. वर्ल्ड नंबर वन बोलर कौन है टेस्ट क्रिकेट में? इसका आंसर है कागिसो रबाडा. ये है कागिसो रबाडा जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर है. ये हर फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं. इनका निकनेम है KG. ये एक फास्ट बॉलर है. जनवरी 2018 में इन्होंने ICC की ODI रैंकिंग्स और ICC की टेस्ट रैंकिंग्स टॉप कर ली हैं और इन्होंने 22 साल की उम्र में ये अचीवमेंट की है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. इम्परफेक्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश. इनमें से किन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है इम्परफेक्ट? इसका आंसर है संजय मांजरेकर. ये है संजय मांजरेकर. ये एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है इम्परफेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ISRO. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर शिवन के. ये है डॉक्टर शिवन के जो कि ISRO के नए चेयरमैन है. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. नेम द विनर ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल इन स्कीइंग. भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल स्कीइंग में किसने जीता है? इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है आंचल ठाकुर. ये है आंचल ठाकुर. ये मनाली की रहने वाली हैं. इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है एल्पाइन एजडर 3200 कप इन टर्की में, जिसे इंटरनेशनल स्की फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24. वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस फेस्टिवल हेड. दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया था? इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है चाइना.
ये है दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल जिसका नाम है हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल। ये चाइना में ऑर्गेनाइज होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइस एंड स्नो फेस्टिवल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हुम आउट ऑफ दीज विल नॉट बी अ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे 2018 परेड। रिपब्लिक डे 2018 की परेड पर इनमें से कौन एक चीफ गेस्ट नहीं होगा? इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी के बाकी तीनों रिपब्लिक डे 2018 की परेड पर गेस्ट होंगे। तीन तीन गेस्ट होंगे इस बार की रिपब्लिक डे परेड पर? नहीं स्टूडेंट्स, इस बार की रिपब्लिक डे परेड पर 10 गेस्ट होंगे जो कि हेड्स हैं एशियन स्टेट्स के, एशियन यानी के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस बार 2018 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पर इंडिया के 10 गेस्ट होंगे जो कि एशियन कंट्रीज के हेड्स हैं। एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। इन सभी कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो इस साल 26 जनवरी की परेड पर गेस्ट होंगे भारत के। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thank you.